ईगो एवर लिंगलोंग से बोलता है कि जो तुम्हारा भाई है वो अब मर चुका है और वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कब्र है वहाँ पे गड़ा हुआ है और तुम जाओ तो उसे देख सकते हो, इसमें तुम्हारी मर्जी। लिंगलोंग है वो ईगो के गले पड़ जाती है रोते रोते और बोलते है कि मेरा भाई तो मेरे लिए जेड पेंडेंट है, वो लेने गया था मार्केट में बट वो कैसे मर सकता है, मैं तुम्हारी इस बात पे वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती कि मेरा भाई कहीं जाते हुए मर गया। वो बोल दिया कि यूटैंग ने मुझसे कहा था कि मेरा भाई वो अभी सही सलामत है और मैं जब चाहे उसे बात कर सकती हूँ जब वो मुझे मिला देगा उससे। ईगो पे वो बोलता है अगर तुम्हें मेरे से एविडेंस चाहिए तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एविडेंस भी दूंगा, तो हम कल सुबह वो मॉर्निंग में हम वहाँ पे जाएंगे तुम्हारे भाई की ग्रेव के पास। ईगो पे वो बोलता है अगर तुम्हें मेरी बातों पे अभी भी विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ पे जो भी मतलब बात हुई है वो उसे तुम भूल सकती हो। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो लिंगलोंग है वो उसकी बात पे भरोसा करके उसके साथ है वो ग्रेव के पास है, वो चली जाती है ग्रेव के पास, वो एक गाड़ी से आई होती है फिर वो गाड़ी से उतरती है मतलब वो फिसलने लगती है तो उसका एक बंदा उसे बचा लेता है और उसे खड़ा कर देता है ढंग से। लिंगलोंग है वो बोलती है ईगो से कि हाँ अब हमें यहाँ पे आ चुके हैं तो जल्दी से मुझे मेरे भाई की डेथ का एविडेंस दो। ईगो एक गड्ढा खोदवाता है उसमें से स्केलेटन निकलता है, फिर जो हमारे ईगो है वो बोलता है कि ये देखो ये तुम्हारे भाई की ही डेड बॉडी है जो यहाँ पे पड़ी हुई है, तुम्हारे भाई है वो मर चुका है कुछ टाइम पहले। लिंगलोंग है वो बोलती है कि इस स्केलेटन का है जो पैर है वो टूटा हुआ है, इसके मुताबिक ये मेरा भाई है बिकॉज मेरे भाई का भी पैर है वो एक टूटा हुआ था और ये मुझे लग रहा है कि ये सच में मेरा भाई है। ईगो लिंगलोंग से बोलता है कि देखो इसके गर्दन है वो कटी हुई है और तुम इसको नोटिस करो इसे स्पीयर से काटा गया, स्पीयर मतलब भाला, और नालान सिटी में सिर्फ 3 लोगों को स्पीयर चलाना आता है, पहले नालान मैंग, दूसरा यूटैंग और चौथे वो कुछ डाकुओं के ग्रुप। लिंगलोंग है वो बोलती है आखिर तुम्हें पूरा विश्वास कैसे कि यूटैंग नहीं है मेरे भाई को वो मारा है, तुम क्या सबूत है तुम्हारे पास। ईगो बोलता है कि तुम्हें जैसा याद होगा कि जो यूटैंग है उसने तुम्हें जेड पेंडेंट दिया था तुम्हारे भाई का, अगर तुम्हें याद हो कि वही लास्ट बंदा होगा जो उससे मिला होगा आखिरी टाइम। ईगो उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि ये सब मेरे भाई की गलती है, तुम उसे माफ कर दो या फिर उसे मार दो ये तुम्हारी मर्जी। ईगो उसे बोलता है कि अगर तुम अपना रिवेंज लेना चाहो तो ले सकती हो उसे अगर तुम्हारी मर्जी, और फिर बोलते हैं क्या तुम अपना बदला लेना चाहोगी। लिंगलोंग है वो ईगो से बोलती है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम मुझे जल्दी से बताओ और मुझे अपने काम से वो फ्री कर दो। ईगो बोलता है कि उसके पास एक बुक है जिसमें सारे उसके अकाउंट हिस्ट्री है जिसमें उसने कोलैबोरेशन किन किन डाकुओं के साथ उसने बातें की हैं और किस किस के साथ उसका मतलब पार्टनरशिप है उसके बारे में लिखा है, अगर तुम वो बुक है वो जला के दोगी तो हम उसका गुनाह है वो प्रूव कर सकते हैं। और फिर जो यूनफैन है वो बोलता है अगर तुम्हें हमें कोई मैसेज देना हो तो तुम अपने घर के फ्लावर पॉट में वो चिट है बना के डाल सकती हो, मैं वो चिट है वो ईगो तक है वो पहुंचा दूंगा फिर हम दोनों बात कर सकते हैं। फिर ईगो और लिंगलोंग है वो डील कर लेते हैं। फिर जो ईगो है वो बोलता है कि अब तुम्हें अपनी मेंशन में वापस जाना चाहिए, अगर मिस लैन ने अगर तुम्हें वहाँ पे नहीं देखा तो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लिंगलोंग जाते हुए अपनी खिड़की का पर्दा है वो खोलती और बोलती है मिस्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई की डेड बॉडी और उससे मिलाने के लिए। ईगो वो खुश होकर बोलता है कि अब मैं बहुत जल्द यूटैंग है उससे अपना छुटकारा है वो पा लूंगा और चलो अब ये सब तो हो गया, मुझे पब्लिक के लिए भी कुछ बेनिफिट्स है उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिनशो है वो चिल्ला चिल्ला के पूरी पब्लिक में बोल रही होती है कि आ जाओ हमें 100 वर्कर्स की जरूरत है, ये मिस्टर ईगो का आदेश है। जिनशो है वो बोलती है मिस्टर ली को है वो वर्कर्स चाहिए, वो भी 100 वर्कर्स चाहिए और हर वर्कर को हर दिन 10 किलो है वो आटा दिया जाएगा। सभी बंदे वो बोलते हैं क्या मैं सही सुन रहा हूँ कि हर दिन 10 किलो आटा, अभी तो वैसे भी शहर में भुखमरी का हालत है। पब्लिक है वो बोलती है अब कब से हमारी चिंता होने लगी। ईगो वो बोलता है कि शहर से 5 किलोमीटर दूर है हमें एक जमीन मिली है जहाँ पे हम फिर से खेती कराएंगे और उस जमीन को वापस लेके बहुत ज्यादा अच्छे काम करेंगे, तो बोलते जिसको भी ज्वाइन होना है वो आ जाओ। एक बंदा होता है जो काफी ज्यादा भूखा होता है वो सामने आता है और बोलता है कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे 10 किलो ग्राम में वो आटा दे दीजिए और मैं उसे लेके चला जाऊंगा, तो वो बोलता है कि अच्छा क्यों नहीं। ईगो है वो बोलता है कि तुम पहले बंदे हो जिसने बिना किसी हेजिटेशन के हमें ज्वाइन कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें 10 लीटर वो मतलब 10 किलो वो एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, तो वो उसे 20 किलो वो आटा दे देता है। सभी बंदे वो बोलते हैं अच्छा ये जोक नहीं हो रहा, फिर सभी ये बंदे वो भागने लगते हैं और आटो की बोरी के पास चले जाते हैं और उसे लेने लगते हैं, बोलते हैं ये दो। बंदे वो धक्का मुक्की करने लगते हैं और फिर जो हमारी मैंग है वो वहाँ पे होती है और ये सब देख रही होती। ईगो वो बोलता है ये फाइनली खत्म हो गया, यूनफैन है वो बोलता है कि आप अपने दम पे अब कैपेबल हो चुके हैं बहुत ज्यादा अच्छे बिजनेस करने में और आपके पास बहुत सारे सपोर्टर हैं, वो बोलता है अब आपको नालान मैंग की जरूरत नहीं है। ईगो वो यूनफैन से बोलता है कि जो मैंग है वो बहुत ज्यादा भयंकर बट ये भी बात है कि वो बहुत ज्यादा काइंड है मेरे लिए और उसने अभी तक है ईगो मतलब मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा है। मैंग ये सब वर्ड्स है वो सुन रही होती है और बोलती है कि ये कितना ज्यादा बेशरम हो गया है, मतलब ये कैसे कैसे वर्ड है वो इन पब्लिक में ऐसे नेचुरली बोल रहे जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सबसे। ईगो वो चिल्ला से वो बोलता है कि जो भी बंदा है वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो उस बंजर जमीन पे खेती करने मतलब उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मेरे साथ है वो चल रहा है। मैंग वो बोलती है जो मास्टर ईगो है वो काफी ज्यादा बदल गया है, मुझे नहीं लगता ये पहले जैसा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पे हमारे ईगो बोलता है कि अब 3 दिन बीत चुके हैं, अब मुझे जाके वो देखना होगा कि वहाँ पे काम है वो कैसा चल रहा है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो जैसे वहाँ पे बैठ के दाना दे रहा होता है मतलब चिड़ियों को, तभी है वो हमारा यूनफेन वहाँ पे आ जाता है खिड़की के अंदर से। यूनफेन खिड़की से अंदर आता है और बोलता है जो जुनशु है वो किडनैप हो चुकी है। तो हमारा युगे वो बोलता है कि आखिर ये मजाल किसकी हुई, किसने ये सब किया है। फिर हमें शहर के बाहर मतलब नालान सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा युगे पहुंच जाता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यूनफेन युगे को बताता है कि ये जो कुछ डाकू है यहाँ पे आए थे इन सबको लूटने के लिए, बट वो अचानक ही लड़ते लड़ते अचानक ही खुद ही मर गए इन बंदों ने, वो कुछ भी नहीं किया। वहाँ पे एक बंदा आता है युगे के पैरों में पड़ के माफी मांगने लगता है और बोलता है कि सर हमें माफ कर दीजिए, वो बंदे आए और हमें बहुत मारा और जुनशु को वह अपने साथ ले गए। तभी जो नालान सिटी की फोर्स है वो वहाँ पे आती है और फिर हमारी नालान मैंग है वो बोलती है कि आखिर क्या हुआ युगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या मसला चल रहा है, कि तुम मुझे बता सकते हो क्या। युगे वो बोलता है कि जुनशु है वो किडनैप हो चुकी है और मुझे उसे बचाना ही होगा। युटेंग वो बोलता है ये तो मतलब कुछ डागो का काम है, जो स्पिरिट स्नेक माउंटेन पे वो रहते हैं, वो बोलता है कि ये शायद उन्हीं का काम हो सकता है, अगर तुम चाहो तो उनके पास जा सकते हो। युटेंग वो बोलता है कि मैंने उन बंदों को मतलब युगे को मारने के लिए भेजा था, बट तो वो सर्वेंट गर्ल को यहाँ से उठा के ले गए, वो कितना ज्यादा यूजलेस है। युगे वो बोलता है कि मैं स्पिरिट स्नेक माउंटेन पे वो जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए। तो जो मैंग वो बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, काफी ज्यादा खतरनाक है, वो तो बस एक लड़की एक सर्वेंट थी बस। युगे वो बोलता है कि हाँ एक सर्वेंट जिसने सिर्फ मेरे लिए जब तुम लोग मुझे पकड़ने आए थे जेल में अंदर डालने के लिए था, उसने अकेले ने मेरे लिए आवाज उठाई थी, अब ये मेरी बारी है। युगे वो बोलता है कि मैं उसका मतलब जो उसके उसने मेरे ऊपर एहसान किया है मैं उसका बदला है वो चुका के रहूंगा, बिकॉज किसी का एहसान रखना मेरी आदत नहीं है। तभी यूनफेन वो युगे को रोकता और बोलता है कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हो, मतलब दोस्त से तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब बैंडेड मतलब डाकू का काम नहीं है, किसी और का ही काम लग रहा है मुझे। यूनफेन है उन बंदों की बॉडी में देखता है तो उनकी बॉडी से एक ऑरा निकल रहा होता है, वो किंग ऑफ पॉइजन नाम के किसी बंदे का पॉइजन होता है। युटेंग है वो बोलता है कि आखिर ये बंदा कौन है, इसको तो सब पता है मतलब पॉइजन ऑफ किंग के बारे में। युटेंग की बात सुन के जो हमारा यूनफेन है वो पीछे मुड़ता है और यूनफेन के सिर पे वो स्कार मतलब एक निशान पड़ा होता है। युटेंग है वो बोलता है कि तुम्हारे सिर पे ये क्रॉस का निशान है वो क्या कर रहा है, वो बोलता है कहीं तुम किंग ऑफ थीफ्स नहीं हो, तो 10 मार्शल किंग में से एक। यूनफेन है वो बोलता है इसमें कहीं ना कहीं शायद मेरी ही गलती थी, क्योंकि उसकी जो बहन है वो मेरी पत्नी है मतलब मेरी वाइफ है, और मैं उसकी बहन को वो भगा के ले आया था, शायद वो मुझे ही ढूंढ रहा होगा, वरना अगर मैं उसे नहीं भगाता तो शायद ये बंदे मतलब जो ये डाकू हैं वो यहाँ पे इतने अचानक से अटैक नहीं करते, मतलब किसी को भी हार्म पहुँचाने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते। तभी जो युटेंग है वो बोलता है कि सब में गलती तुम्हारी है युगे, तुम्हें जाके किंग ऑफ पॉइजन से लड़ना होगा और उसे हराना होगा और ये सब सॉल्व करना होगा, हमें एंटीडोट चाहिए यहाँ के पॉइजन मास्टर का। यूनफेन है वो बोलता है इस सब में मेरी गलती है, मैंने ये सब मसला है वो खड़ा किया है, तो मैं ये जाके अकेला ही वो सब ठीक कर दूंगा। युगे उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि दो भाई हमेशा साथ रहते हैं, चाहे हारना हो या जीतना हमेशा दोनों साथ रहते हैं, तो चलो हम भी एक साथ ही जाने वाले हैं। मैंग है वो बोलती है क्या ये सर्वेंट लड़की इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तभी एक साइड में सर्वेंट बड़े बैठे होते हैं, वो बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस मैंग, स्पिरिट स्नेक माउंटेन से जाके आज तक कोई वापस नहीं आया है, तो उसके जाने का भी मतलब आने का भी कोई चांस नहीं है, वो वहीं पे मर जाएगा, अब तो आजाद है। अब मैंग को है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसकी तरफ है वो घूर घूर के देखने लगती है, फिर वो अपना थप्पड़ है वो घुमाती है उसके चेहरे पे बहुत तेजी से एक मार देती है, वो बोल दिए कि तुम्हारी हिम्मत कहते हुए मेरे बीच में है वो बोलने की। मैंग है वो बोल दिए कि तुम सिर्फ एक सर्वेंट और तुम्हारी कोई हक नहीं, बनता है कि तुम एक पति और वाइफ के बीच में वो कुछ भी बोलो ये तुम्हारा हक नहीं है। तो लड़की है वो बोल दिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैं गलत थी, वो नहीं मरेगा वो जिंदा आ जाएगा। मैंग है वो युगे के पीछे जाने लगती है और बोलती है युगे वो वापस आ जाओ, तो मैं तुम्हारी जान को रिस्क में है वो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती। तभी युटेंग है वो लड़की के पास आता है और बोलता है कि वो लड़की क्या मतलब मैंग की दिक्कत क्या है, उसने तुम्हें सिर्फ उस कचरे के लिए वो बहुत ज्यादा मारा। युटेंग है वो उससे पूछता है लड़की से अगर मैं मतलब मैंग से वो शादी कर लूँ तो कैसा रहेगा, तुम मुझे अपना वो सजेशन दे दो, क्या ही फर्क पड़ने वाला जल्दी से बता दो। कोई वो बोलती है अगर आप वो किंग बन जाते हो मतलब उसके पति बन जाते हो तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लाओगे आप हमारे शहर में। युटेंग है वो बोलता है अगर तुम मेरी सब चीजों में मदद करते हो तो मैं तुम्हें अपने मतलब राजा बनने के बाद बहुत अच्छी ज्यादा पोजिशन दूंगा अपने साथ में, बहुत ज्यादा अच्छी वाली समझ रहे हो।